वेलकम डेटा इंटरप्रिटेशन IBPS क्लर्क के लिए वेरी इंपॉर्टेंट इस वीडियो एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। ये एक मॉडल पेपर आप मान सकते हैं DI के सेट का, जो कि एग्जाम में आने की पूरी संभावना होगी। दूसरे फॉर्म भी हो सकते हैं, लेकिन इसके आने की पूरी संभावना है। ये परसेंटेज ऑफ मार्क्स इस पर है। इसको सॉल्व करने का अलग ही तरीका होता है। बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके, लेकिन फिर भी एग्जाम से पहले इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना आपके कॉन्फिडेंस को बहुत बढ़ा देगा, आपका टाइम रिड्यूस करेगा, आपकी एक्यूरेसी बढ़ाएगा। व्हाट शुड बी द बेस्ट अप्रोच, आइए देखते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अमर कुमार सिंह अमर सर अन एकेडमी पर भी हूँ, जो एक फ्री लर्निंग ऐप है। मैंने यहाँ पर ढेरों लेसन्स और कोर्सेस बनाए हैं जो बैंक, SSC और रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। इनका लाभ उठाने के लिए आप डाउनलोड करें अन एकेडमी लर्निंग ऐप। सबसे पहले मैं देखता हूं कि ये है क्या। परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 6 स्टूडेंट्स इन 6 सब्जेक्ट्स। 6 डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, ABCDEF, और 6 सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, साइंस, इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश। अलग अलग उनके वेटेज हैं, फुल मार्क्स हैं, 50, 50, 100, 75, 100 and 120। तो कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं। पहली कि ये परसेंटेज ऑफ मार्क्स है, नॉट मार्क्स। मार्क्स अगर होगा तो 50 के फुल मार्क्स में हिस्ट्री में किसी को 60 नहीं आ सकता, मैक्सिमम 50। लेकिन परसेंटेज ऑफ मार्क्स ये 100 तक जाएगा, 50 में भी 100 तक जाएगा, लेकिन 120 में 120 नहीं होगा, 100% ही होगा मैक्सिमम। ये भी बात है। और दूसरी बात कि हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी का फुल मार्क्स 50 है। कैलकुलेशन में इसका विशेष महत्व है, 50-50। और मैथ एंड इकोनॉमिक्स में भी 100-100 है, कैलकुलेशन में इसका विशेष महत्व है। ये कैलकुलेशन को इजी बनाएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं थर्ड बनाता हूं, थोड़ा और स्पेस मिल जाएगा बाकी क्वेश्चंस के लिए, इसलिए ठीक है। तो थर्ड जो क्वेश्चन है वो मैं पहले बनाता हूं। व्हाट इज एवरेज परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय ऑल द स्टूडेंट्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में एवरेज परसेंटेज ऑफ मार्क्स लेना है, एवरेज परसेंटेज ऑफ मार्क्स लेना है। तो मार्क्स निकालने की जरूरत ही नहीं है, बेस तो सेम है। इंग्लिश 120 का कोई यूज ही नहीं है। देखिए ऐसा है, ये 66 है, ये 84 है, ये 72 है, उसके बाद 60 है, फिर 78 है और फिर 54 है। देखिए थोड़ा टेढ़ा हो गया ना, 78 है और फिर 54 है। एवरेज मतलब सबको जोड़ के 6 से भाग दे दे, नहीं, एक बेस मान ले, मान सकते हैं, वो अच्छा तरीका है, बट नॉट द बेस्ट। देख करके क्या लगता है कि ये किसके नजदीक है, थोड़ा बताइए तो किसके नजदीक है। सोचते हैं किसके नजदीक है। हमारा मकसद हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट ऑल द आइटम्स इक्वली क्विकली, इस पर होना चाहिए। तो मुझे क्या दिखता है पता है, मुझे दिखता है कि मैं 70 के आसपास कैसे देखूं और 70 आसानी से कैसे देखूं। मैं बताता हूं पहले बेस्ट अप्रोच। मेरा मन करता है कि 4 मैं इसे दे दूं ताकि ये 70 हो जाए, इसका 10 मैं इसे दे दूं, इधर से 4 दे दूं, मतलब 4 उधर चला गया, और इधर 10 दे दूं तो ये भी 70 हो जाए, ये खुद भी 70 हो जाए। कितना बढ़िया लग रहा है। इसका 8 और 2 10 हटा दूं, इसका 2 हटा दूं और इसका 8 हटा दूं तो ये भी 70 हो जाए, ये भी 70 हो जाए, और इस 10 को इसे दे दूं, इन दोनों को इसे दे दूं तो ये पोर्शन 64 न हो जाए।
इसको भी 70 बांध करके -6 क्यों न कर दूं, -1 क्यों न कर दूं, 69% आंसर क्यों न हो जाए, क्यों न हो जाए। दिस इज द बेस्ट अप्रोच। मैं कहता हूं ऐड करके 6 से डिवाइड कीजिए, ये एक तरीका होता है। मैं कहता हूं कि एक बेस मान करके जब आप बनाते हैं, प्लस माइनस करते हैं, ये दूसरा तरीका होता है। ये दो तरीके माने जाते हैं और मीन मान करके आप बनाते हैं। बेस्ट अप्रोच होता है दोनों का कॉम्बिनेशन, नहीं सम करेंगे नहीं एक को मानेंगे, और वो ये है। मैं थोड़ा और बताता हूं, ये बेस्ट वे है लेकिन इसमें आप में बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो सकती है, तो मैं उस तरीके की बात करता हूं जो आपको कम से कम जरूर अपनाना चाहिए। क्या बताता हूं वो ऐसा है, देखिए हमने एक बेस माना 70, हमने मान लिया कि हम लोग सबों को 70 बनाएंगे, तो यहां हुआ -4 और यहां हुआ, इसको दे दिए -4, यहां हुआ +14, इसका 14 लेके यहां रख दिया, इसको 4 दे दिया, -4 हो गया, ये भी 70, ये भी 70, यहां +2 हो गया, यहां पर -10 हो गया, यहां पर +8 हो गया, 70 बना रहे, और यहां पर -16 हो गया। अब सभी 70 हो चुके हैं, ऐसा करने से सभी 70 हो चुके हैं, सभी 70 हो चुके हैं, यानी एक तरह से हमने क्या लिखा, 66 को 70 -4, 84 को 70 +14, 72 को 70 +2, 60 को 70 -10, 78 को 70 +8 और 54 को 70 -16, सभी 70 हो चुके, बस कैलकुलेशन बाकी है। और मुझे जो दिखता है कि जरा देखिए क्या दिखता है, मुझे दिखता है कि ये 4 और 10 और ये 14 उड़ गया, तो काम ही खत्म हो गया। ये 10 हटा तो -6 बचा कि नहीं, -6 को 6 में बांटेंगे, -1 होगा कि नहीं, और एवरेज 69% होगा कि नहीं, ऐसे सॉल्व करने का है। ठीक है, ऐसे जरूर कीजिए, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस हो गई तो वैसे कीजिए जैसे मैंने पहले बताया था। अब इसको मैं मिटाता हूं, सेकंड क्वेश्चन बनाते हैं, उल्टा ही बनाते हैं, स्पेस थोड़ा ज्यादा मिलेगा। मार्क्स ऑब्टेन बाय ई इन इकोनॉमिक्स इज अप्रॉक्सिमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय हिम इन ऑल सब्जेक्ट्स टुगेदर। देखिए मार्क्स ऑब्टेन बाय ई इन इकोनॉमिक्स ये वाला 62% जो मिला है वो टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय हिम इन ऑल द सब्जेक्ट्स। तो जब सबका निकालना ही है तो इंडिविजुअल क्यों निकाले। ई के लिए बात हो रही है, इंग्लिश में बात हो रही है, इकोनॉमिक्स में बात हो रही है, ई के लिए इकोनॉमिक्स में बात हो रही है, ठीक है, ओके। आइए 72% ऑफ 50, 66% ऑफ 50, हम लोग सीधा 50% ऑफ द सम क्यों न ले लें। और सम अगर लेना है सम, तो ये कितना हुआ 138, देखिए 138 का हाफ क्यों न ले लें, उसमें भी दिक्कत हो तो देखिए 2 इसको दे दीजिए, 68, दोनों का हाफ क्यों न ले लें, 138 140 का हाफ क्या होता है 70, तो 69 क्यों न ले लें, तो ये 69 होगा कि नहीं। ये 69 कहां से हुआ बताता हूं, ये हुआ कि 50% हमने लिया 36 और फिर 50% हमने लिया 33, यही वाला 69 हुआ। इसी को हम ऐसे नहीं चाहते थे, हम डायरेक्ट चाहते थे। ठीक उसी तरह से बात करते हैं कि 82% ऑफ 100 और 62% ऑफ 100, तो वही होगा ना,
82 एंड 62 होगा, तो 144 क्यों ना करें, जल्दी बोलिए, 100 वाला को लिया 82 एंड 62, तो 144 क्यों ना करें, यहां ये यह कहां से आया 82% 82 प्लस 62% 62, इन कैलकुलेशन से बचे, लेकिन हमें इकोनॉमिक्स के 62 का परसेंटेज निकालना है, तो ठीक है 100% ऑफ 62। हम जो अब तक 4 सब्जेक्ट ले चुके हैं, 75 में साइंस का बाकी है और इंग्लिश का बाकी है, तो साइंस का लेते हैं, साइंस थोड़ा यहां लिखते हैं साइंस और दूसरा इंग्लिश, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, इन दोनों का बेस अलग है, क्या लेना है 87% ऑफ 75 तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि 75% ऑफ 87 लेते हैं, अप्रॉक्स है 75% ऑफ 88 लेते हैं, 88 को 4 पार्ट्स में बांटेंगे तो 22 करके 4 पार्ट्स होंगे, 3 पार्ट्स ले लीजिए 66, ऐसे लीजिए ना 75% ऑफ 87 अप्रॉक्स करेंगे कि नहीं बताइए, और इंग्लिश का 78% ऑफ 120 120% ऑफ 78 78 लेते हैं और 20% और ले लेंगे, 20% कितना होगा 15 करीब 15 थोड़ा ढंग से करना है, अगर आप इसको ऐड कर देते हैं मान लीजिए तो ये 93 हो जाता है, आप जानते हैं क्या होता है, हमें सुंदर सुंदर नंबर बनाने हैं, हम लोग क्या करते हैं 140 और 60 ये वाला 100 आइए 6 4 10 निकाल लीजिए, 7 इसे दे दीजिए 1 इसे दे दीजिए 8 आपने दे दिया 2 बचा और सारे नंबर सुंदर हो गए, ये तो 72 हो गया, ये 100 और 200 300 हो गया, 62 372 का कितना परसेंट है ये सवाल है, ऐसे नहीं करना है, हम जानते हैं 37.2 को बोलेंगे 100% 10% 372 को 100% बोलेंगे, इसे 100%, तो अगर हम डबल कर दें डबल तो 74.4 को क्या बोलेंगे 20%, लेकिन ये 62 74 तो नहीं है, इससे 12 ज्यादा है, 12 को क्या बोलेंगे करीब करीब 4% बोलेंगे, तो इसको 16% के आसपास बोलेंगे कि नहीं, 4 से थोड़ा कम होगा, थोड़ा समझ लीजिए 3.5 टाइप का कुछ होगा, कैलकुलेशन में सुविधा के लिए, तो ये 16.5 के आसपास कुछ नजर आएगा, 16.5 के आसपास कौन है 17%, ये इज द आंसर, जल्दी बोलिए, यानी 62 को क्या बोलेंगे, लगभग इतना परसेंटेज बोलेंगे, ठीक है, इसके बाद चलते हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, फर्स्ट जो क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल स्टूडेंट्स इन ज्योग्राफी, जब भी कॉलम का सवाल आता है एक क्वेश्चन आप बना चुके हैं वो आसान होता है, रो में दिक्कत होती है क्योंकि बेसिस अलग अलग होते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन का जहां तक सवाल है ज्योग्राफी में लेना है, देखिए मैं पहले भी कर चुका हूं ऐसा ही क्वेश्चन, एक और है अच्छा है आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, 74 92 84 66 एंड 64, लेकिन एक बात है एवरेज मार्क्स कहा है, क्वेश्चन के मुताबिक होता है कि हम 82% ऑफ 50 निकालें 74% ऑफ 50 निकालें, सब सबका निकालने के बाद 6 टाइम्स करने के बाद फिर सबको जोड़ के ऐड करके 6 से डिवाइड करें या फिर जो भी करें एवरेज निकालें, व्हाई 6 टाइम्स क्यों निकालें हम परसेंटेज, हम एवरेज परसेंटेज निकाल के एक बार में परसेंटेज मार्क्स निकालेंगे, परसेंटेज रहेगा मार्क्स निकालने के, तो हम एवरेज परसेंटेज चाहते हैं, देख करके क्या लगता है, देखिए फिर यहां पर एक बड़ी मजेदार बात है, मजेदार बात है कि नंबर बहुत बेकार है, पर हमें दिखाई देता है इसको छोड़ दीजिए, ये 2 4 2 4 6 4 इसको छोड़ दीजिए, एक अप्रोच बेस्ट अप्रोच
सिर्फ टेंस को देखिए, टेंस को जैसे ही आप देखेंगे ना, नजरिया ही बदल जाएगा। इसको नहीं देख रहे हम लोग, ये यहां से वन यानी टेन हुआ ना, इसको दे दीजिए, ये भी एट 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 एट, और सिर्फ ये बाकी है। आप जानते हैं सिक्स प्लस फोर टेन दे दीजिए, मतलब ये भी सेवेंटी हो गया, फोर फोर एट टू टेन दे दीजिए, ये भी एटी हो गया। मतलब आप समझ रहे हैं आपके पास क्या बचा, ये सिक्स फोर टेन हो गया और ये भी टेन हो गया, सिर्फ टू बचा हुआ है और ये भी एट्टी हो चुका है। मतलब मैं समझाता हूं आपको मैं क्या कह रहा हूं, सुनिए पहले, इसको बताना जरूरी है। मुझे 80 प्लस 2 दिखता है, मुझे 70 प्लस 4 दिखता है, मुझे 90 प्लस 2 दिखता है, 80 प्लस 4 दिखता है, 60 प्लस 6 दिखता है, 60 प्लस 4 दिखता है। देखने का नजरिया यह है कि जैसे ही इसको 10 देते हैं, इधर से इसको बोलिए ऐसे 10, ये भी 80, ये भी 80, 6 4 10 और ये भी 10, ये दोनों अगर हम लोग इसको दे दें तो ये भी 80, सभी 80 हो चुके, ये भी 80, ये भी 80, ये भी 80, ये भी 80 और ये भी 80, बस हमारे पास 2 बाकी है, इसको दे दीजिए, ये 62 होता है। हम माइनस 18 करके इसे भी 80 बना देते हैं क्योंकि 2 यहां पर है। जल्दी बोलिए, समझ में आ रहा है? अब आप देखिए इसके कारण क्या होगा, 80 एवरेज है और 6 में बांटेंगे तो बाय 3 यानी माइनस 3 यानी 80 माइनस 3 यानी 77% एवरेज परसेंटेज है। और ये किस में बात हो रही है, ज्योग्राफी में, तो 77% ऑफ 50 ना लेके 50% ऑफ 77 क्यों ना ले, 38.5 क्यों ना हो जाए, सही आंसर, दिस इज द बेस्ट अप्रोच। बोलिए समझ में आ रहा है, बेस्ट अप्रोच। हालांकि मैं उस तरह से भी लिखता हूं, ये बेस्ट अप्रोच बिना लिखे हुए, समझ रहे ना, ये तो हमारे दिमाग में था, हम लोग ये कैलकुलेशन कर चुके थे, देते बस बस बस, ये सब लिख रहे ही नहीं था, ये लिखा गया सिर्फ समझाने के लिए। अगर आप ऐसे न करते, ऐसे न करते तो आप लिखते 80 हमने माना, ये 2 है, ये माइनस 6 है, प्लस 12 है, ये प्लस 4 है, ये माइनस 14 है और ये माइनस 16 है। ऐसे आप करते 80 मानने के बाद, देखिए देखिए, और आप देखते कि क्या करें, तो ये 12 और 2 14 को यहां कैंसिल कर देते हैं और 12 और 2 14 को कैंसिल कर देते, 4 को यहां से हटा देते, तो ये बच जाता, ये बच जाता, ये बच जाता, और ये वाला कैलकुलेशन करने पर माइनस 18 बाय 3 यानी माइनस 3% आता और ऊपर 80 था यानी आपके पास 77% आता। और फिर ऐसा करते हैं, बोलिए समझ में आया? चलिए इसके बाद इसके बाकी क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप एंजॉय कर रहे होंगे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर, पहले फिफ्थ नंबर ही देखते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय बी इन ऑल द सब्जेक्ट्स टुगेदर। उसी तरह का है, ऑब्टेन्ड बाय बी इन ऑल द सब्जेक्ट्स टुगेदर। इसमें बेसिस अलग अलग है इसलिए हमें निकालना होगा, पर हम ये जानते हैं, आप चाहे तो ऐड करके 50% ले लीजिए, लेकिन ऐड करके भी कोई ज्यादा फायदा नहीं है। कर सकते हैं 80 और 74 कितना हुआ 154, उसका हाफ ले लिए, यानी ये 154 जो है इसका हाफ ले लिया तो 77 हो गया। आप दोनों सब्जेक्ट का एक साथ ले सकते हैं 77, उसी तरह से दो सब्जेक्ट का उधर भी है 73 और 76, तो 149 ले लीजिए 149। ये कहां से आया, रुक जाइए थोड़ा बताने दीजिए, ये जो आया आपका 80 का यानी कि 40 और उधर 37, इन्हीं का दरअसल सम हमने लिया ऊपर, और उधर तो समझ में आ ही रहा दोनों का बेस सेम है 73 और 76, इसलिए हमने इसका एक साथ ले लिया ऊपर वाले का, फोर सब्जेक्ट्स का हो गया। हमें लेना है 66% ऑफ 75, नहीं नहीं पसंद नहीं है,
75% ऑफ 66 है ना, पसंद नहीं है, 150% ऑफ, उसको डबल कर दे, इसको हाफ कर दे, 33 अच्छा लग रहा है, 150% ऑफ 33 लेंगे, क्यों 75% ऑफ 66 को ऐसे करेंगे, तो देखिए गया ना, 33 में उसका हाफ जोड़ दीजिए 16.5 यानी 49.5, नहीं समझे, ये 33 और हाफ 16.5, इसको यहां लिया और फिर क्या बचता है बी का 84% ऑफ 120, ऐसा करते हैं ना 120% ऑफ 84 लेते हैं, तो 84 लेंगे, अप्रॉक्स नहीं लेना है, एग्जैक्ट लेना है, ध्यान रहे, और 20% लेना है तो 16 पॉइंट, देखिए 20% मतलब 8, ये भी अच्छा लग रहा है, 100.8 देखिए, 120% ऑफ 84, 100% 84 उसका हाफ, और 20% 16 पॉइंट, दिस मन करता है इसे हम क्यों छोड़ें, इसे तो हम 100 बोल ही देते हैं, ये है ना ऐसे, इसे तो हम 100 बोल ही देते हैं, अच्छा लग रहा है 100 हो जा रहा है। इसके बाद जो मन करता है, सुनिए ये क्या चीज है, इसको चाहिए यहां से, इसको भी हटा दीजिए, इसको लिख दीजिए 0.3 और ये वाला यहां दे दीजिए तो ये 50 ना हो जाए, इसे यहां से 51 दे दीजिए 200 ना हो जाए, ना हो जाए, ना हो जाए, पूरे क्वेश्चन का नक्शा ही बदल गया, जरा देखिए 200 है ये, 50 है ये, 100 है, तो ये 300 हुआ कि नहीं, और ये 76.3 हुआ कि नहीं, यानी इस पूरे को यदि हम ऐड करें तो 376.3 मार्क्स होगा कि नहीं, ग्रुपिंग करना है, ढंग से ऐड करना है, 376.3 इज द आंसर, ठीक है। इसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो फोर्थ नंबर है, तो हमने पहले बना लिया, आई तो ये जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय डी इन हिस्ट्री मैथमेटिक्स साइंस एंड इंग्लिश, उसी तरह का क्वेश्चन है जिसमें आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो रही होगी, ये प्रैक्टिस आपको एग्जाम में बहुत काम आएगा। देखिए क्या क्या है, थोड़ा इसको लिख देता हूं, हिस्ट्री मैथ्स साइंस एंड इंग्लिश, उसमें ज्यादा स्पेस नहीं था, यहां चलिए दिखाता हूं, इनमें किसको मिला है, डी को, डी को, डी को, डी को, डी को, हिस्ट्री में 76% ऑफ 50, ना 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 ना, 50% ऑफ 76 यानी 38 मिलेगा कि नहीं बताइए। उसके बाद मैथ, डी का मैथ, मैथ में तो 83% 100 का यानी 100% 83 का, ये तो हो गया ही होगा, रखते हैं। उसके बाद साइंस, डी का साइंस में देखिए 75 में 81% नो 75% ऑफ 81, ऐसा करते हैं 80 और 1 कर देते हैं, 80 का 75% 3/4 ये हो जाएगा क्या 60 और 1 का 0.75, बड़ा मैटर करता है, 75% मीन्स 3/4 ऑफ, हम 80 प्लस 1 क्यों न ले लें, क्या ये 60 प्लस 0.5 न हो जाए, बोलिए बोलिए बोलिए, ये कैलकुलेशन ही मन में कर रहा था, और हाँ डी का हो रहा है। इसके बाद कौन सा बाकी है, साइंस के बाद, साइंस के बाद इंग्लिश, इंग्लिश 120 में है 60%, ये तो क्लियर है 72 है, थोड़ा ढंग से करना है, कैसे करें पता है, बताता हूं, मन करता है कि इसमें से 28 उठा के इसे दे दूं तो ये 100 हो जाए, बाकी 10 बचाना, 10 कुछ नहीं करते हैं, 10 को यहां ले आते हैं 70, 80, 153, 253 सीधा, क्यों ना बोले आंसर, डी इज आंसर, डी इज आंसर, एक मैक्रो व्यू होना चाहिए, मैक्रो व्यू ये कहता है कि हम इसे 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 100 बना देते हैं
और इसके बाकी 10 को, बाकी 10 को, ये 28 वहां चला गया, बाकी 10 को, बाकी 10 को यहां दे देते हैं, यहां से चला गया 10, 10 ऐसे नहीं गया, 90, 60, 153.75 और 100, 253.75, ऐसे कैलकुलेशन किया गया। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस डीआई सेट में जबरदस्त कैलकुलेशन आपने सीखा होगा, परसेंटेज निकालना, बेस को चेंज करना, ये आपके एग्जाम में बड़ी भूमिका अदा करने जा रहा है। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा। ऑल द बेस्ट।